मुअज़्ज़िज़ सामईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामईन हज़रात, इस साल रमज़ानुल मुबारक 2023 के इस मुबारक मौके पर हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में श्री कैसेट और संजय अग्रवाल जी पेश करने जा रहे हैं एक बहुत ही हसीन वाक़या। उन्वान है वाक़या 7 साल की बच्ची का रोज़ा। तो लीजिए सामईन, कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर के कलम से लिखा हुआ ये एक और नायाब वाकया मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिसको म्यूजिक से संवारा है राजू खान जी ने, और ये रिकॉर्डिंग है एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली की। रिकॉर्डिस्ट चंद्र गांधी जी हैं। सामईन हजरात, गुर्बत में एक परिवार, छोटा सा माँ बाप और एक उनकी 7 साल की बच्ची अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, मगर उनकी ज़िंदगी में आगे चलकर जब माहे रमज़ान आया, वो बच्ची उस वक्त 7 साल की थी, तो फिर उस बच्ची ने किस तरह रमज़ान का रोज़ा रखा। ये एक सेठ के यहाँ काम करते थे, उस सेठ ने अफ्तारी के नाम पर उस मालिकन ने इनको क्या दिया, और फिर रोज़े की बरकत से, इस 7 साल की बच्ची के रोज़ी की बरकत से किस तरह से उस सेठ की बच्ची नैना ज़िंदगी पाती है, ये बात आप इसमें सुनने जा रहे हैं। तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए, वाक़या 7 साल की बच्ची का रोज़ा मुलाहिज़ा कीजिए। अर्ज़ में करता हूँ फिर ये दास्तां रमज़ान की, अर्ज़ में करता हूँ फिर ये दास्तां रमज़ान की। हम तो है अनवार पहले लब पे उस रहमान की, हम तो है अनवार पहले लब पे उस रहमान की, हम तो है अनवार पहले लब पे उस रहमान की। अर्ज़ में करता हूँ फिर ये दास्तां रमज़ान की, अर्ज़ में करता हूँ फिर ये दास्तां रमज़ान की, अर्ज़ में करता हूँ फिर ये दास्तां रमज़ान की। एक इंसान था शहर में जो बड़ा नादार था, मौजे गुरबत में फंसा था, हर तरह लाचार था। नेक थी बीवी वफा करती थी वो हर हाल में, कोई दिन भी ऐश का देखा न था ससुराल में। जानती थी वक्त सबका एक सा होता नहीं, वक्त आता जाता रहता है पता इसका नहीं। ये गरीबी भी खुदा की देन है, हक बात है, शान रज़ा की है जिसकी वो खुदा की जात है। जब खुदा चाहेगा अपने भी बदल जाएंगे दिन, जिंदगी में एक दिन खुशियों के भी आएंगे दिन। अपने शौहर के लिए करती थी वो अक्सर दुआ, रिज़्क दे या रब हमें तू, मांगती रो कर दुआ।
उसका शौहर था शरीफ अहमद, भला इंसान था। एक लड़की 7 साला थी, बड़ा अरमान था, अपनी बच्ची को पढ़ाऊंगा यही कहता था वो, अपनी बच्ची को पढ़ाऊंगा यही कहता था वो, अपनी बच्ची को पढ़ाऊंगा यही कहता था वो। देखकर अपनी गरीबी सोचता रहता था वो, देखकर अपनी गरीबी सोचता रहता था वो, देखकर अपनी गरीबी सोचता रहता था वो। ऐसा बिगड़ा था मुकद्दर, घर का लक उसका न था, किस जगह पर रात गुजरे की पता होता न था। शाम को फुटपाथ पे काबिज तो हो जाते थे वो, काम जिस दिन मिल न पाता भूखे सो जाते थे वो। एक दिन निकला शरीफ और बात की एक सेठ से, दास्तां अपनी सभी जाकर कही एक सेठ से। नौकरी दी उसने और रहने को कमरा दे दिया, काम अपने घर में करने का इशारा दे दिया। नाम बेटी का सना था, वो बड़ी मासूम थी, 7 साला उम्र थी, खुशियों से वो महरूम थी। सेठ के घर उसकी माँ खाना बनाती रोज ही, साथ अपनी वालिदा के ये भी जाती रोज ही। बाप करता था सफाई, दुख उठा लेते थे वो, सेठ के घर खाना जो बचता था खा लेते थे वो। जिंदगी कटती रही, फिर माह रमजान आ गया, कल्बे मोमिन के लिए जश्ने बहारा आ गया, कल्बे मोमिन के लिए जश्ने बहारा आ गया, कल्बे मोमिन के लिए जश्ने बहारा आ गया। चांद से रमजान के हर सिमत खुशियां छा गईं, गुलशन हस्ती में रोजों की बहारें आ गईं। सज गए बाजार सारे रोजादारों के लिए, बारिश रहमत हुई दाअत गुजारों के लिए। लोग फजले की बुरिया की बारिशों में खो गए, सहरी और अफतार के मंजर से दिल खुश हो गए। नगमे मखलूके खुदा कुरआन के गाने लगी, आज घर घर से तिलावत की सदा आने लगी। है तमाशागाह सुने मस्जिदें आबाद हैं, जिनके सीने में है दिल मोमिन का बेहद शाद हैं। है जो फासिक इस जहां में ताबे शैतान है, उसकी खातिर जैसे 11 है वो ही रमजान है। अलगरज देखो शरीफ है मद का क्या किस्सा हुआ, रोजा रखा शौक से रमजान का जब चर्चा हुआ। सेठ से दोनों मियां बीवी वफा करते रहे, सेठ से दोनों
करते रहे, रोजा रख रख कर खुदा से वो दुआ करते रहे, रोजा रख रख कर खुदा से वो दुआ करते रहे। रास्ते में जिंदगी के एक दिन ये गम हुआ, उनकी बेटी हो गई बीमार बेहद गम हुआ, जाके बोले मालिकन से कुछ रकम दे दीजिए, है सना बीमार बच्ची की दुआ ले लीजिए, कुछ नहीं खाया मेरी बच्ची ने है भूखी पड़ी, है बुखार इतना उसे तपती है वो यूं ही पड़ी, देख कर दिल हौल खाता है सुकून आता नहीं, दर्द जो औलाद का हो देखा वो जाता नहीं, मुझको पैसे दीजिए ताकि तुम्हारा नाम हो, मैं दवा लाऊंगा उसकी रब करे आराम हो। मालिकन उठ कर गई दोनों पे गुर्राती हुई, थोड़े पैसे दे दिए लाकर वो झुंझुलाती रही, बोली पैसे लो दवाई जाके ला देना उसे, जो बचे अफ्तार से खाना खिला देना उसे, दी दवा ला कर सना को तो वो अच्छी हो गई, हो गए माँ बाप खुश तंदुरुस्त बच्ची हो गई, हो गए माँ बाप खुश तंदुरुस्त बच्ची हो गई, हो गए माँ बाप खुश तंदुरुस्त बच्ची हो गई। सजदे किए बख्शी शिफा अल्लाह ने, हासिला रोजों का ये अच्छा किया अल्लाह ने, फिर खुशी के साथ दिन कटते रहे रमजान के, गीत वो गाते रहे अल्लाह के एहसान के, एक दिन बोली सना माँ से उठा देना मुझे, मैं भी कल को रोजा रखूंगी जगा देना मुझे, माँ ने कुछ सोचा नहीं थोड़ा सा खाना रख लिया, उठ के सहरी में सना ने खा के रोजा रख लिया, जब हुआ वक्ते दोहर बाबा से बतलाने लगी, जो उसे खाना था इफ्ता दी में गिनवाने लगी, मेरे बाबा सेब और अंगूर और केला भी हो खजूरे और समोसे साथ में खाना भी हो, आप ये अफ्तार में सामान ला देना मुझे, अपने हाथों से खिला देना मेरे बाबा मुझे, सुन के उस नन्ही परी की बात दिल रोने लगा, अपनी गुरबत देख कर वो गमजदा होने लगा, अपनी गुरबत देख कर वो गमजदा होने लगा, अपनी गुरबत देख कर वो गमजदा होने लगा।
बाप ने समझा दिया, लाऊंगा मेरी जान सब, रखे वो जिस हाल में है मर्जी ये रहमान सब। बोला बीवी से गरीबी को मेरी देखा नहीं, इसलिए रोजा इसे रखवा दिया सोचा नहीं। जेब में पैसा नहीं सामान क्या लाऊंगा मैं, कैसे मुंह अवतार में बेटी को दिखलाऊंगा मैं। बोली बीवी रोज ही रहती है रोजे से गरीब, खाना तो मिलता नहीं भूखी ही रहती है गरीब। डरते डरते फिर वो अपनी मालकन के घर गया, चेहरा अपनी मालकन का देख के वो डर गया। करके हिम्मत अर्ज की, पैसे दो हूँ लाचार में, रोजा रखा है सना ने लाऊंगा अफ्तार में। मालिकन बोली झिड़क कर, क्या इरादा है तेरा, रोज पैसे मांगता है क्या तमाशा है तेरा। हल जो इफ्तारी में बच जाए उठा लेना उन्हें, अपनी बेटी को तू ले जा कर खिला देना उन्हें। अपनी बेटी को तू ले जा कर खिला देना उन्हें, अपनी बेटी को तू ले जा कर खिला देना उन्हें। जाके फिर बेटी से बोला सब्र तू कर लाडली, सादा खाना खाते थे प्यारे पयंबर लाडली, सहरी करते थे हमेशा चंद खजूरों से हुजूर, और पानी पी के रोजा खोल लेते थे हुजूर। ऐसा होता था कभी भूखे भी रह जाते थे आप, अल्लाह पाक का हर हाल फरमाते थे आप। उसकी बातें सुन के ये कहने लगी नन्नी परी, इतना सादा खाना खाते थे मेरे प्यारे नबी, मैं भी सुन्नत पर अमल करके करूंगी पैरवी। सुन के माँ बेटी की बातें मुस्कुरा कर हंस पड़ी, उसकी माँ सलमा गई फिर मालिकन के पास में, मालिकन के घर से कुछ खाना मिले इस आस में। मालिकन मतबख में थी खाना बनाती थी, वहाँ जाके सलमा पास उसके प्यार से बोली वहाँ, मैं बना देती हूँ खाना आप जहमत छोड़िए, बोली वो झुंझुला के ये भेजा है शफकत छोड़िए। बोली वो झुंझुला के ये भेजा है शफकत छोड़िए, बोली वो झुंझुला के ये भेजा है शफकत छोड़िए। तुझसे जो पहले यहाँ थी ये सितम ढाती थी, वो खाना मतबख से चुरा कर रोज ले जाती थी वो, इसलिए बस मैं बना लूंगी तू जा कर बैठ जा। इतने में लेकर सना को उसका शौहर आ गया,
फोन जब बजने लगा उसने कदम बाहर रखा, छिपकली खाने में आकर गिर गई, ये क्या हुआ? बेखबर ये तीनों बैठे थे, कहाँ जाएंगे हम? खाना अफ्तारी से बच जाएगा तो खाएंगे हम। सेठ भी था और उसकी बेटी नैना बैठ कर, लेके खाना मालिकन भी आए दस्तरखान पर, फल भी रखे थे वहाँ नैना ने खाया जल्द तर। खाना खाते ही तभी चकरा गया नैना का सर, छिपकली का था जहर खाने में सब घबरा गए, डॉक्टर के पास भी नैना को लेकर आ गए। ये दुआ मांगी सना ने, मेरे मौला खैर हो, ये दुआ मांगी सना ने, मेरे मौला खैर हो, ये दुआ मांगी सना ने, मेरे मौला खैर हो, इनकी बेटी अच्छी हो जाए खुदाया खैर हो, इनकी बेटी अच्छी हो जाए खुदाया खैर हो, इनकी बेटी अच्छी हो जाए खुदाया खैर हो। सना रोजे से रब ने इल्तिजा कर ली कबूल, दी दवा जब डॉक्टर ने खिल गए खुशियों के फूल, पाई नैना ने शिफा कोई नहीं था अब मलूल, दामनों में आ गया था रब की रहमत का हुसूल। डॉक्टर ने ये बताया खूब रंग लाई दुआ, एक गरीब इंसान की बेटी की काम आई दुआ, रोजादारों की दुआ तो रायगा जाती नहीं, अर्श से वो लौट कर खाली कभी आती नहीं। फिर किया अफ्तार सबने उनचे दिल खिल गया, सेठ से काफी शरीफ अहमद को पैसा मिल गया, दूर गुरबत हो गई रोजों का ये इनाम था, शुक्र करता था खुदा का लब पे उसका नाम था। रोजादारों पर है रब का प्यार मुँह ना मोड़ना, ऐ मुसलमानों कभी हर किस ना रोजा छोड़ना, हश्र में नारे सकर से ढाल बन जाएगा ये, शुरू में नारे सकर से ढाल बन जाएगा ये, और दोज़ख से अमा अनवार दिलवाएगा ये, और तो